हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इक्वेशन यूनिट फर्स्ट एक्सरसाइज ए, 1 to 4 क्वेश्चन हम इजी वे में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th का है। इजी वे में इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। बिल्कुल शॉर्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ। एट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको गिवन इक्वेशन है 4 और कह रहा है इसमें से किसी एक का सॉल्यूशन 8 है। तो बिल्कुल सिंपल है, हम x की जगह 8 रख लेते हैं। ओके, हर इक्वेशन पर रख के देख लेते हैं। देखो, जैसे हमने x की जगह 8 यहाँ पर रख दिया, ये सॉल्यूशन बता रहा है 8 जो है किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और आप जानते हो सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया, या तो आप इसको सोल्व करें, एलसीएम ले, इधर भी एलसीएम ले, आपको चारों इक्वेशन सोल्व करके देखनी पड़ेगी, या आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 8 रख के देख लीजिए। तो ये मुझे ज़्यादा ईजी लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो 8 + 4 / 4 + 8 - 5 / 3, जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आया 12 / 4 + 3 / 3। तो इसको मैंने सोल्व किया तो ये आया 3 + 1, ये आया 4। और ये जो 4 है 11 के इक्वल में नहीं है, इसलिए ये इस फर्स्ट ऑप्शन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। अब हम सेकंड ऑप्शन में 8 रख के देखते हैं। तो 8 + 4 / 2 + 8 + 10 / 9, लेफ्ट हैंड साइड में ये आया 12 / 2 + 18 / 9, तो ये आया 6 और ये आया 18 / 9 = 2, ये आया 8। बिल्कुल सही आपका 8 इससे मैच हो गया, इसलिए यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ओके, अब देखो इस थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कोई एक सोल्यूशन होगा। मान लो सपोज करो ए होता, बी होता, सी होता, और डी में और कोई ऑप्शन होता ए और बी, या होता बी और सी, फिर हमको दूसरा भी चेक करना पड़ता। तो इस तरह से हमने क्या करा कि एक्स की जगह हमने 8 रख दिया। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन वी गेट द आंसर इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 8 हु इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड वैल्यू। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल ईजी मेथड मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए बताया है, आप समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ वाई दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमारे पास वाई की वैल्यू हो जाएगी, या ऑप्शन से वैल्यू रख देते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों मेथड को जो है सीखेंगे। फर्स्ट मेथड उसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। यह जगह वाई प्लस 11 / 6 - y + 1 / 9 इक्वल है y + 7 / 4। इसमें जो हमारा एलसीएम आ जाता है वो आ जाता है 18। 6 और 9 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 × 3 = 18, देन 3 × y + 11 - 9 × 18, देन 2 × y + 1 इक्वल है y + 7/4 के। अब हम क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 4 × 3 = 12 y + 11, हालांकि ये वैल्यू कैंसिल हो रही है। यदि आप इसको और भी छोटा करना चाहो तो देखो, ये डायरेक्ट वैल्यू मैं कैंसिल कर देता हूँ। 2 × 9 = 18 और 2 × 2 = 4, एक ही ऐसा नंबर है जिससे दोनों जो है डिवाइड हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 = 6 × y + 11 - 4 × y + 1 इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × y + 7। ओके, ये मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसका सेकंड मेथड जो है ज़्यादा इजी है आपके लिए। लेकिन इक्वेशन को अभी हम सोल्व करना सीख रहे हैं, इसलिए आ जाएगा 6y + 66 - 4y - 4 = 9y + 63। यह आया 6 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2y और यह आ जाएगा +62 = 9y + 63। ओके, वाई और y को अलग सोल्व कर लिया और हमने कॉन्स्टेंट वैल्यू को अलग सोल्व कर लिया। यहाँ पर 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो 2y बचेगा, और 66 में से 4 माइनस कर देंगे तो 62 बचेगा। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, ये आ जाता है 2y - 9y इक्वल हो जाएगा 63 - 62। अब यह आ जाएगा माइनस का 7y इक्वल टू आ जाएगा 1, देन y की वैल्यू आई -1/7। ओके, देखो ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, और ये राइट हैंड साइड में जाके इसका भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो प्लस का 2 है, माइनस का 9y, तो माइनस का 7y इक्वल हो जाएगा 63 में से 62, माइनस करूँगा 1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू -1/7। अब आप एक बात देखें, ये ऑप्शन जो है आपके पास ऑप्शन था डी,
आपको पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ चेक करना पड़ेगा। वैसे आपको बताया तो यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड से ये आंसर नहीं आता तो ऑलरेडी हमको पता चल जाएगा कि डी जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जब हम इसको ऑप्शन से करते हैं तो देखिए ऑप्शन से कैसे करते हैं। पहले फर्स्ट ऑप्शन को मैं चेक करता हूँ, माइनस वन प्लस इलेवन अपॉन सिक्स माइनस माइनस वन प्लस वन अपॉन नाइन इक्वल माइनस वन प्लस सेवन अपॉन फोर। ठीक है, तो ये आया देखो माइनस वन है इधर, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है सेम आनी चाहिए वाई की इस वैल्यू से। यदि नहीं आते तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो यह जगह ये आएगा टेन अपॉन सिक्स माइनस जीरो इक्वल हो जाएगा सिक्स अपॉन फोर। तो जिसको मैं टेन अपॉन सिक्स इक्वल है सिक्स अपॉन फोर के, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि ये आ जाएगा फाइव अपॉन थ्री और यह आ जाएगा थ्री अपॉन टू। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है इसको मैच नहीं करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंड मेथड। यदि आपको इक्वेशन सोल्व करने में ऐसा लगे कि टाइम लगेगा तो हम यहाँ पर सेकेंड मेथड जो है यूज़ में ले रहे हैं। हम ऑप्शन से वैल्यू रखेंगे और हम आंसर को चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं। इसलिए हमको पता चल गया कि फर्स्ट इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मैं सेवन को चेक करता हूँ इक्वेशन में। मैं जो है सेवन रख के आपको बताता हूँ। देखिए आप, जब मैं इसमें सेवन रखता हूँ इस इक्वेशन में, तो यह जगह सेवन प्लस इलेवन ऑप्शन बी को मैं चेक करूँ अपॉन सिक्स माइनस सेवन प्लस वन अपॉन नाइन इक्वल हो जाएगा सेवन प्लस सेवन अपॉन फोर। तो ये आ जाएगा एटीन अपॉन सिक्स माइनस एट अपॉन नाइन इक्वल है फोर्टीन अपॉन फोर। तो ये आ जाएगा सिक्स थ्री जा एटीन देन थ्री माइनस एट अपॉन नाइन इक्वल है सेवन अपॉन टू। नाइन एल्शियम एटीन माइनस एट इज इक्वल टू सेवन अपॉन टू। तो यह जाएगा टेन अपॉन नाइन नॉट इक्वल टू सेवन अपॉन फोर। ऑप्शन जो है बी भी इसको सेटिस्फाइड नहीं करता है। अब हम ऑप्शन सी से चेक करते हैं। ऑप्शन सी से, ऑप्शन सी में हम वाई की वैल्यू रख देते हैं वन, वाई की वैल्यू वन रख देते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी। तो वन प्लस इलेवन अपॉन सिक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन नाइन इक्वल हो जाएगा वन प्लस सेवन अपॉन फोर। तो आ जाएगा ट्वेल्व अपॉन सिक्स माइनस टू अपॉन नाइन इक्वल हो जाएगा एट अपॉन फोर। यह आ जाएगा सिक्स टू जै ट्वेल्व टू माइनस टू अपॉन नाइन इज इक्वल टू हो जाएगा एट अपॉन फोर। नाइन एलसीएम एटीन माइनस एट इज इक्वल टू आ जाएगा एट अपॉन फोर। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है टेन अपॉन एटीन माइनस टू आ जाएगा इधर। ओके, टू है ये, नाइन टू जो एटीन माइनस टू, तो यह सिक्सटीन अपॉन नाइन इक्वल एट अपॉन फोर। तो ये भी वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भी जो है इसका आंसर नहीं है। तो हमारे पास जब हमको पता चल गया कि फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, ये हमको अच्छे से पता चल गया, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये एक मेथड है। बस इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर पता हमको बाद में लगता है। मान लो सपोज करो के ऑप्शन जो है, यदि फर्स्ट ऑप्शन होता आंसर, राइट आंसर होता, तो फर्स्ट ऑप्शन यदि हमारा राइट आंसर होता तो एट अपॉन फोर को मैं यहां पर टू लिख सकता हूं। तो ये फोर्टीन अपॉन नाइन नॉट इक्वल टू टू, सॉरी सिक्सटीन अपॉन नाइन नॉट इक्वल टू टू। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया कि ऑप्शन सी भी नहीं है। यदि ये फर्स्ट ऑप्शन होता और हमारा आंसर मिल जाता तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए ये मेथड जो है अच्छा है, लेकिन कई बार ये लेंथी इसलिए हो जाता है कि कई बार हमें आंसर में फोर्थ ऑप्शन दे देता है, तो हमें चेक करना पड़ता है पहले तीनों को। तो जिनकी स्पीड अच्छी है, जो इसको सिंप्लीफाई ईजिली कर सकते हैं, उनके लिए फर्स्ट मेथड भी ईजी है। अब फोर्थ ऑप्शन और आप ईजिली, यदि आपका कन्फ्यूजन है तो चेक कर दे। वैसे मैंने फोर्थ ऑप्शन आपके सामने आंसर निकाल दिया है, तो आप फोर्थ ऑप्शन को भी इसमें रख के चेक करके रख सकते हो। आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से मेथड समझ में आए। क्वेश्चन के साथ साथ मैं मेथड भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत ना आए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इस बुक से कोई क्वेश्चन ना आए। कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें से क्वेश्चन वो बाहर से बना के देते हैं एग्जामिनर, तो ऐसी कंडीशन में हमें कंसेप्ट यदि अच्छे से तैयार हो तो हम क्वेश्चन के आंसर तक इजीली पहुँच सकते हैं। आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आओ समझते हैं। आपको इक्वेशन रखे पी प्लस टू और p माइनस थ्री प्लस पी प्लस थ्री पी माइनस फोर इक्वल रखा है p इंटू टू पी माइनस फाइव। इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो p को p से मल्टीप्लाई करूँगा तो p स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का 3p आ जाएगा। ओके, पहले फर्स्ट वैल्यू को दोनों से p स्क्वायर माइनस 3p, फिर सेकंड वैल्यू टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे p से, तो d आ जाएगा टू पी माइनस सिक्स। फर्स्ट
टू ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया है। ओके देखो, अब पी स्क्वायर फिर पी को -3 से -3p, फिर प्लस टू को पी से 2p, और फिर +2 को -3 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 और ±- आ जाएगा। इसी तरह से p × p² -4p +3p -12 p² -4p +3p और 4 3 12 -3, और p को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2p² -5p -5p। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं हम। देखो ये p² और ये p², ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे, p² प्लस p² 2p² हमारे पास आ जाता है 2p². ओके, अब देखो आप, इन दोनों से मेरे पास आ जाता है -p, इन दोनों से मेरे पास क्या आ जाता है -p। ठीक है, फिर -6 एज इट इज़ लिख लेता हूँ, ये p², इन दोनों से मेरे पास आ जाता है -p, माइनस का 4p प्लस का 3p तो माइनस का p आ जाएगा और माइनस का 12 इक्वल हो जाएगा 2p² -5p। अब देखो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दो सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, 2p² से 2p² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बचा मेरे पास, ये दोनों मिलकर मेरे पास आ जाएंगे माइनस के 2p माइनस का 2p और ये आ जाएगा माइनस का 18 माइनस का 6 और माइनस का 12 और इधर है माइनस का 5p। जब मैं इसकी साइड चेंज करूँगा तो माइनस का 5p इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 2p प्लस का 5p इक्वल हो जाएगा 18 के, ये माइनस के वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाता है 5 में से 2 कैंसिल माइनस कर देंगे तो 3p आ जाएगा, 3p इज़ इक्वल टू 18, देन p इज़ इक्वल टू 18 अपॉन 3, तो p की राइट वैल्यू आपके सामने आती है 6। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा जो है मैच कर गया, और ऑप्शन फर्स्ट की वैल्यू जब मैं इसमें रखता हूँ डायरेक्ट, मैं आपको बताता हूँ सेकंड मेथड में, देखो आप ये हम जब इसमें ये आपका आंसर आ गया, बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब यहाँ पर मैं ऑप्शन से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ। तो ऑप्शन में पी की वैल्यू 6 में रखता हूँ, 6 + 2 × 6 - 3 + 6 + 3 = 6 - 4, यहाँ पर p की जगह मैंने क्या रख दिया, 6 रख दिया है, बाकी वैल्यू सेम है ऐसे, ये 6 × 2 × 6 - 5 तो ये आ जाएगा 8 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, 6 - 3 3 हो जाएगा, प्लस 6 + 3 9 × 6 - 4 2 इक्वल हो जाएगा 6 × 6 = 12 - 5 यह 24 + 18 इक्वल हो जाएगा 6 से 12 में से 5 जब मैं माइनस करता हूँ तो यह आ जाता है 6 × 7, तो देखो 8 4 12 42 इक्वल हो जाएगा 6 7 42। तो इस तरह से बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल वैल्यू आ रही है, इसलिए ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो बी सी डी को हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से हम इजीली जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह हम बोर्ड मास रूल को फॉलो करेंगे, बोर्ड मास के बारे में भी आपको बताऊंगा। कोई ऐसे इक्वेशन है जिसमें अलग अलग जो है ऑपरेशन जो है आपके सामने है, एक प्लस है माइनस है डिवाइड है और मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड, फिर करते हैं मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस, ये रूल होता है बोर्ड मास की तरह। उससे पहले ब्रैकेट्स होते हैं, उसके भी बारे में मैं आपको जब क्वेश्चन करूँगा तो बता दूंगा। तो इसमें देखो आप, ये दो साइन होंगे, एक तो मल्टीप्लाई होगा एक माइनस का होगा, तो इसमें पहले आप मल्टीप्लाई ऊपर है, देखो मल्टीप्लाई को प्लस और माइनस से पहले सोल्व करना पड़ता है। ये मिस्टेक मत कर देना कि आपने 6 में से 5 माइनस कर दिया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसा नहीं करना है, वरना इसका आंसर 2 आएगा। वैसे इसका आंसर चेंज आ रहा है, मेरी बात समझ में आई आपके? तो मान लो सपोज करो 2 × 6 में से 5 गया 1, इसका आंसर 2 आ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत होगा, ऐसे नहीं करना आपको। ऑपरेशन में जो है आपको ऑपरेट कौन से साइन है वो कौन से पहले करने हैं, उसके लिए मैंने आपको ये रूल बता दिया है। तो 6 × 2 = 12, 12 में से 5 गया 7, इस तरह से ये क्वेश्चन में है सोल्व आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, अपलोड करने में भी दिक्कत आएगी, इसलिए आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। आप लगातार मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।